किसी भी काम को जब आप ईमानदारी से जवाबदेही के साथ करते हैं तो वो 25 साल क्या वो कई ऐसे 25 साल पीछे की जर्नी जब याद करते हैं तो उत्साह भी बढ़ता है और उससे सीख भी मिलती है। जब विपत्ति आती है, जब परेशानी आती है तो शायद किसी और को घबराए, लेकिन जो हौसला वाले होते हैं, जिनके पास हौसला होता है, वो कुछ नया करके दिखाते हैं। निभाया, उनको सफलता मिली है, तो निश्चित रूप से 25 साल हम लोगों ने पूरा किया है। गोल अपना 25वां वर्ष पूरा करने के बाद गोल उत्सव मना रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विपिन सर हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है 25 साल का सफ़र और आज इतने सारे रिजल्ट, इतना सारा अचीवमेंट और इतना जो है कि बच्चों का प्यार मिल रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी भी काम को जब आप ईमानदारी से जवाबदेही के साथ करते हैं तो वो 25 साल क्या वो कई ऐसे 25 साल तक सफलतापूर्वक अपने समय को लेकर आगे सामने आता है। तो निश्चित रूप से ये 25वां साल है हमारा और खुशी तो बहुत हो रही है। पीछे की जर्नी जब याद करते हैं तो उत्साह भी बढ़ता है और उससे सीख भी मिलती है। संघर्ष तो करना ही होता है, संघर्ष आपके जीवन का बड़ा अभिन्न अंग है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। स्वीकारना होता है, नई बातों को सीखना होता है। जब विपत्ति आती है, जब परेशानी आती है तो शायद किसी और को घबराए, लेकिन जो हौसला वाले होते हैं, जिनके पास हौसला होता है, वो कुछ नया करके दिखाते हैं। ये कोविड का 2 वर्ष निश्चित रूप से काफ़ी कष्टदारी रहा है हम लोगों के लिए, खासकर एजुकेशन फील्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बड़ा कष्टकारी रहा, लेकिन जिन्होंने अपने रास्ते में सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ, ईमानदारी और वफादारी निभाते हुए अपने कर्तव्य को निभाया, उनको सफलता मिली है। तो निश्चित रूप से 25 साल हम लोगों ने पूरा किया है। इसमें हमारे शिक्षक, हमारे संस्थान के बहुत ही सभी अधिकारी पदाधिकारी गण, सब लोगों का साथ मिला, छोटे से लेकर बड़े जो हमारे सदस्य हैं, हमारे संस्थान में जो काम करते हैं, सब लोगों का रात दिन का तपस्या है, मेहनत है, तब जाकर इतनी बड़ी लाइन खींची जाती है। और बिहार के भी बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं, छात्र हैं, जिनका विश्वास और साथ मिलता रहा। ये 25 साल कैसे गुजरा पता तो नहीं चला, लेकिन इस 25 वर्षों में जो हमने सीखा है वो बहुत कुछ सिखाया, एक अनुभव दिया दुनिया पहचानने की, और दुनिया को कैसे और समाज को कैसे रिटर्न बैक किया जाता है, ये सभी हमने यही सीखा। इसके लिए कोई पढ़ाई हमने नहीं किया था, बस लोगों के साथ काम करते हुए आगे बढ़ते चले गए और सब कुछ अच्छा होता चला गया। विपिन सर, पटना में आज बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तमाम चीज़ें होती है, लेकिन गोल अपने आप में एक अलग पहचान पर है, अलग मुकाम पर है, अलग कॉन्सेप्ट पर है। क्या आपकी सफल, आप जो एक इंस्टीट्यूट जो आपका सफल सफलता वर्ष मना रहा है, 25 वर्ष लगातार कोई इंस्टीट्यूट को सफलता पे, सफलता के सीढ़ी पर चढ़ना काफ़ी मायने रखता है, क्या इन सब के बीच एक अपना पहचान बनाना आपको नहीं लगा जो बहुत मुश्किल हो रहा है अपना पहचान बनाना, लेकिन पहचान आज बन चुकी है? जब हमने दिल्ली छोड़ा था, जिस समय निर्णय लेना था मुझे कि दिल्ली को सिलेक्ट करें या बिहार को सिलेक्ट करें, उस समय हमने जब दिल्ली छोड़ा था तो ये सोचा था कि बिहार संघर्ष से सामना कराएगा और ये पूरा रास्ता कहीं से फूल भरा तो है नहीं, कांटों से भरा था, लेकिन एक मिट्टी का कर्ज होता है, हम इसी मिट्टी से पले बढ़े और लोगों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, इसका कर्ज भी उतारना था। मैं बहुत छोटा काम कर रहा हूँ लेकिन ईमानदारी से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी भी अलग अलग प्रोफेशन से पैसे कमाते हैं, शायद किसी तरीके से असुरक्षा की बातें रहती होगी या और भी कोई कारण रहता होगा जब इस राज्य को वो छोड़ देते हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हमारे साथ कई बार आई, लेकिन मैंने अभी बताया कि बहुत लोगों का साथ मिला, बहुत अपनों का साथ मिला, और हिम्मत भी था और एक जुनून भी था, इच्छा शक्ति थी और संवेदना था अपने बिहार के लिए, मुझे कुछ करना है। तो गोल विलेज स्थापित हुआ, यह 12 एकड़ का कैंपस कोचिंग इंडस्ट्री के लिए सोचा नहीं जा सकता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, इतने पैसे तो अगर कुछ खर्च कर दिया जाए तो मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाता है। आज भी मैं उस
क्षेत्र को पकड़ा हूँ जहाँ पर एक गांव से आता हुआ बच्चा जो कभी सोचा नहीं कि हमारा जीवन कुछ ऐसा बदलाव लेगा, एक सपना लेकर आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उसके पास पैसे का अभाव होता है, उसके पास गाइडलाइन का अभाव होता है, उसके पास अच्छी शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर आकर जब वो रिजल्ट देता है और उसके खुशी के जो शब्द हैं वो आंसुओं के माध्यम से जब हमारे सामने निकलते हैं तो हमारी जवाबदेही कई गुना और ज़्यादा बढ़ा देता है, और वहाँ पर हम विवश हो जाते हैं और ऐसे सोचते हैं कि हमें अपने प्रोफेशन में सिर्फ एक स्तर तक नहीं, इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए, जो शिक्षा का संपूर्ण महत्व को उजागर करता है। ऐसी सोच के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। ऐसे सोच, ऐसे संस्कार हमारे पिताजी के द्वारा दिया गया था, हालांकि वो हमारे इस कोचिंग के शुरुआत करने का समर्थन कभी नहीं किए, उन्हें पता भी नहीं था, साल भर के बाद पता उन्हें चला था, लेकिन मुझे लगा कि ईमानदारी से कुछ काम करना चाहिए। एक छोटा सा प्रयास है, हम चाहते हैं कि हमारे जैसे और भी लोग आगे आएँ। बिहार को बहुत ज़रूरत है छात्रों के सेवा देने का, पलायन को रोकने का और इसे एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का। बहुत लोग सक्षम हैं, सिर्फ इमोशन चाहिए अपने बिहार को वापस देने का। कोशिश हमारी हुई है, आगे भी कोशिश होगी। अच्छा, इतने सारे बच्चों जो हैं पूरा गोल इंस्टीट्यूट में, और भी बिहार के बच्चे जो, विपिन सर कोई नाम के मोहताज अब नहीं है, लोग जानते हैं गोल मतलब विपिन सर, तो विपिन सर उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके साथ जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ने की सोच रहे हैं या फिर जो नहीं जुड़े हुए हैं? गोल मतलब नॉट ओनली विपिन सर, 500 से ज़्यादा लोग, 150 लगभग शिक्षक, बहुत सारे जिम्मेवार व्यक्ति जो गोल के साथ हैं, ये सब लोग जुड़े हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट हैं और उनके अभिभावक जिन्होंने हम पे विश्वास किया। मैसेज बस इतना ही है कि बिहार को आपकी ज़रूरत है, जिस प्रोफेशन में आपको जाना है, जहाँ तक जाकर पढ़ाई करनी है, जो भी विधा, जो भी कला, जो भी आर्ट सीखना है आपको, देश विदेशों में जाइए सीखिए, ज़रूरत है इस बात की। लेकिन जो बिहार हमारी धरती रही है सदियों से, आज से 2000 साल पहले जब अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री जंगल का जिंदगी जी रहा था, हम नालंदा विश्वविद्यालय से पूरे विश्व को पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, दीपक जला रहे थे पूरे दुनिया में। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे मेहनत करें, अच्छे मुकाम पे जाएं, देश विदेशों में जाएं, सीखें, और सीख कर वापस आकर बिहार को बहुत ज़रूरत है, उसको सर्विस प्रोवाइड करें, वो अपना कर्ज अदा करें। और एक बड़ी बात जो हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं, किसी प्रोफेशन में रहें, आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, पत्रकारिता, किसी भी फील्ड में जाएं, जो काम आप कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल आपको बनना है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, बड़ी कमी है इसकी। अच्छे इंसान अगर बनेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा, लोग उंगलियाँ उठाएँगे, गालियाँ भी देंगे, लेकिन आप एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते चले जाइए, जब आप बहुत अच्छा कर जाएंगे तो लोगों का अप्रिसिएशन और तालियाँ भी आपके लिए बजेगी। तो मैं ये कहूँगा कि तुरंत किसी रिजल्ट को उम्मीद ना करें, इंतज़ार करें। मैंने 25 वर्ष इंतज़ार किया, कोई जल्दीबाजी नहीं की, कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं किया, इस बात का मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, दम्भ भी है, उसे अहंकार भी कह सकते हैं, मैंने गलत काम नहीं किया है। गलतियाँ हो सकती है, वो हमारा ह्यूमन नेचर हो सकता है, जानबूझकर कोई हमसे गलती अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, आगे भी ना करने का इरादा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से गोल का कारवा आगे बढ़ता रहेगा, शिक्षकों का, अभिभावकों का, छात्रों का और हमारे संस्थान के कर्मठ लोगों का साथ मिलता रहेगा। हम इसी तरीके से 25 के बाद 50वां साल मनाते रहेंगे। आपको एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ विपिन सर थे जिनसे हम बात कर रहे थे, गोल अपना गोल उत्सव मना रहा है, इसी क्रम में हमसे बात कर रहे थे। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए, जो भी छात्र छात्रा हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर रखें। धन्यवाद। TV, पटना। HCR TMT रीवा। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ, घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।